दोस्तों, हरा धनिया मसाले के रूप में तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही इसे स्वाद और खाने की सजावट और चटनी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो हरा धनिया एक नहीं लगभग 10 से 15 बीमारियों के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 5 मुख्य ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके इलाज के लिए धनिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों, वो 5 बीमारियाँ कौन कौन सी है उसको बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक प्यार भरा लाइक ज़रूर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं वो 5 बीमारियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बीमारियाँ हैं पेट से संबंधित। दोस्तों, धनिया गैस से छुटकारा दिलाने और पाचन तंत्र को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 कप पानी लेकर उसमें जीरा और धनिए के पत्ते डालने हैं। इसके बाद चाय की पत्ती और सौंफ डालकर 2 मिनट तक इस मिश्रण को उबालना है, और स्वाद अनुसार आप इसमें शक्कर मिला सकते हैं और अदरक भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण का आपको सेवन करना है, इससे पेट की कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आँखों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, धनिया आँखों की जलन को दूर करता है, इसके लिए एक प्रकार का चूर्ण तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों, चूर्ण तैयार करने के लिए आपको सौंफ, मिश्री और धनिए के बीजों को बराबर मात्रा में उसको पीस लेना है, और इस चूर्ण को खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है। 6 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से आँखों और पैरों की जलन से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, नक्सिर की समस्या में भी ये काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों, नक्सिर में आराम पाने के लिए धनिए का इस्तेमाल किया जाता है। हरे धनिए की 20 ग्राम पत्तियां लें, अब इसमें लगभग चुटकी भर कपूर मिला लें। इसके बाद इसको पीस लें, इससे बने रस को छानकर अलग कर लें। तैयार रस की 2 बूंद नाक के दोनों छिद्रों में दोनों तरफ टपका लें, साथ ही रस को माथे पर लगाकर हल्का मरने पर नाक से निकलने वाला खून तुरंत बंद हो जाता है। दोस्तों, यह स्किन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। धनिए का इस्तेमाल त्वचा के लिए बहुत असरदायक साबित होता है। धनिए का सेवन खून में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। धनिए के इस्तेमाल से मधुमेह को भी खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनिए का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दोस्तों, बात करें इसके आखिरी फायदे की, तो वह है पेशाब को साफ बनाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पेशाब में पीलापन ज़्यादा आ रहा है तो सूखा धनिया पीसकर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया मिला लें। इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल लें और ठंडे होने पर इसे धान लें। सुबह और शाम पीने से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही थी धनिए से संबंधित जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को प्यार भरा लाइक जरूर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।